अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा दूसरा लेक्चर है कम्युनिकेशन वन, ये फॉर द केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर, और आज हम न्यूरॉन्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसमें तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं, हमने कहा था सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल और ग्लैंड्स, एंड टेंड टू हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन। इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट अदर न्यूरॉन्स परमिटिंग इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आमतौर पर स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स को आपस में जो मिलाते हैं न्यूरॉन वो भी इंटर न्यूरॉन है। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस सिग्नल्स दैट कैन बी कम्युनिकेटेड ओवर शॉर्ट टू रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी टू अनदर। And neurons have two important properties: excitability, the ability to respond to stimuli, and conductivity. Excite होते हैं और conduct करते हैं signals को. The three functional types of neurons are sensory neurons, जैसे हमने बात कर ली है, और उसके बाद motor neurons हैं, और उसके बाद जो हैं वो interneurons जिसे हम कहते हैं, बेसिकली इंटर न्यूरॉन्स इनको कहते हैं, और ये इनका काम हमने जो है वो अभी देख सेंस करते हैं। मोटर न्यूरॉन मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं प्रोसेस मैसेज को, और जो मैसेज प्रोसेस होता है वो इंटर न्यूरॉन्स में होता है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट न्यूरॉन्स कंटेन थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स, सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स हैं एंड एक्सॉन है। ठीक है, ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है जो लॉन्ग रॉड लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आउटसाइड को निकली हुई है। सो डेंड्राइट्स आर एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी एंड कंडक्ट सिग्नल्स टुवर्ड्स द बॉडी। एक्सॉन इज़ ए रिलेटिवली लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ हार्ट को कहते हैं, दैट कंडक्ट सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की। द न्यूरॉन्स ऑफ हाइड्राज एंड सी एनिमल्स डू नॉट हैव ए शीथ कवरिंग द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन। अदर इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव ए शीथ न्यूरॉन, ऊपर से कवर होते हैं न्यूरॉन, एंड व्हेन प्रेजेंट द लेमिनेटेड लिपिड शीथ इज कॉल्ड मायलिन। मायलिन इसको कहते हैं, मायलिन शीथ भी कह देते हैं, मायलिन कवरिंग भी कह देते हैं, और मायलिन आमतौर पर इसको कहा जाता है। इन सम न्यूरॉन्स प्रोटीन से बनी होती है, लिपोप्रोटीन है या लिपिड है, बेसिकली ये लिपिड इन नेचर है। इन सम न्यूरॉन्स ए न्यूरोलेमोसाइट फॉर्मली नोन एज श्वान सेल जिसे पहले कहते थे, रैप्स द मायलिन शीथ इन लेयर्स, एंड इन दीज न्यूरॉन्स गैप कॉल्ड न्यूरोफिब्रल नोड्स फॉर्मली नोड ऑफ रेनवीर इसको कहते थे, सेगमेंट द मायलिन शीथ एट रेगुलर इंटरवल्स, and the neurolemocyte also assist in regeneration of injured myelin myelinated neurons. जब कभी myelinated sheath उतर जाती है तो वो आप ये देखें myelin sheath है उसके ऊपर, और ये इस तरह से जो है वो ये unit बन जाते हैं, ये neurofibril nodes हैं और ये इंटर नोड्स हैं। ये स्ट्रक्चर आप जो है वो देख रहे हैं।
उसके बाद न्यूरॉन कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं. The language or the signal of the neuron is the nerve impulse or the action potential, and the key to this nerve impulse is the neuron plasma membrane and its properties. Changes in membrane permeability and the subsequent movement of fines produce a nerve impulse that travels along the plasma membrane of the dendrite, cell body, axon and neuron. ये चार्ज शिफ्टिंग जिसे हम कहते हैं वो होती है. सो सो ए रेस्टिंग न्यूरॉन इज कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए रेस्टिंग न्यूरॉन इज पोलराइज्ड. द फ्लूइड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज फ्लूइड आउटसाइड. बाहर की तरफ पॉजिटिव है और अंदर की तरफ नेगेटिव है. और ये आप देखें पोलैरिटी में बाहर जो है वो पॉजिटिव है और अंदर जो है वो नेगेटिव है. और इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव है और अंदर की तरफ नेगेटिव है. द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज between inside and outside of the membrane at any given point is due to the relative number of brain and the relative number of positive and negative ions. The difference in the electric charge between the inside and the outside of the membrane at any given point is due to the relative number of positive and negative ions in the fluid on either side of the membrane and to the permeability of the plasma membrane to these ions. The difference in charge is called the resting membrane potential. All cells have such a resting potential, but neurons and muscle cells are specialized to transmit and recycle it rapidly. The resting potential is measured in millivolts. A millivolt is 1/1000 of a volt. Normally the resting membrane potential is about -70 millivolt due to the unequal distribution of various electric charges. Sodium ions are more highly concentrated in the fluid outside of the plasma membrane and potassium and negative protein ions are more highly concentrated outside of the plasma membrane. Bahar sodium zyada hai aur andar jo hai wo potassium hai. And sodium ke ions jo hain wo zyada hain, potassium ke jo hain wo ion kam hain. To is wajah se jo plasma membrane majmui taur pe hai वो आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव है. इसके अलावा यहाँ पर पोटाशियम आयंस कम हैं, वो डिफरेंस है एक तो, और दूसरा ये कि यहाँ पर नेगेटिव प्रोटीन आयंस हैं जिसकी वजह से इनसाइड जो है वो नेगेटिव है. द सोडियम पोटाशियम आयंस कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज थ्रू आयन चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसनट्रेशन. देर आर ऑल्सो larger chlorine ions and huge negative protein ions which cannot move easily from the inside of the neuron to the outside. Andar jo hai wo negative chlorine ion bhi hai aur protein ion hai jo ke size mein kafi bade hain, wo bahar nahi ja sakte. However, the concentration of sodium and potassium ions on the two sides of the membrane remain constant due to the action of the sodium potassium pump which is powered by ATP. Sodium potassium pump jo hai wo ATP generated hai kyunki against the concentration of the ions is ye ions ko jo hai wo unki movement karta rehta hai. The pump actively moves sodium ions to the outside jo ki already kafi zyada hai bahar and potassium ions to the inside jo already kafi zyada hai. To inside potassium ions ko rakhne ke liye aur bahar ki taraf sodium, kyunki sodium ki dekhen sodium ki concentration bahar ki taraf zyada hai to wo normally
जो है वो 8-10 टू मूव इनसाइड, और पोटाशियम की चूँकि इनसाइड ज़्यादा है इट नॉर्मली टेंड टू गो आउटसाइड। तो इनको इनका बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है कि हम एनर्जी यूज़ करते हैं, जो सोडियम को जो अंदर आ जाता है उसको बाहर भेजती है या उसको, और जो पोटाशियम है वो उसको जो बाहर आ जाती है उसको अंदर की तरफ भेज रही है जो ऑलरेडी वहाँ पर ज़्यादा है। बिकॉज इट मूव्स द सोडियम मॉलिक्यूल्स आउट फॉर ईच टू पोटाशियम मॉलिक्यूल्स दैट इट मूव्स इन द पंप वर्क्स टू एस्टेब्लिश द रेस्टिंग पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक सोडियम अगर जो है वो बाहर जाता है तो दो पोटाशियम जो है वो अंदर आते हैं, जिससे बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कायम रहता है और अंदर की तरफ नेगेटिव कायम रहता है और जो पोटेंशियल है वो कायम रहती है। बोथ आयंस लीक बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे मैंने पहले बात की। सोडियम आयंस हाउएवर मूव मोर इजीली बैक टू द आउटसाइड एडिंग टू द पॉजिटिव चार्ज देयर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -70 mV। ये जो चार्ज डिफरेंस है ये है कि है क्योंकि सोडियम बहुत आसानी से इनसाइड नहीं आता, हालांकि आउटसाइड ज़्यादा है लेकिन बहुत आसानी के साथ जो है वो इनसाइड नहीं आता, जबकि जो पोटाशियम है वो बहुत आसानी के साथ बाहर की तरफ निकल जाता है। सो एक सोडियम चूँकि पॉजिटिव है और वो बाहर अंदर कम आ रहा है, पोटाशियम चूँकि पॉजिटिव है वो बाहर ज़्यादा आसानी से जा रहा है, तो उससे एक जो नेगेटिव -70 mV चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो आयन चैनल्स हैं द सोडियम पोटाशियम पंप, एंड दीज मैकेनिज्म्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द सोडियम आयंस एंड द पोटाशियम आयंस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन एंड क्रिएट ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन बट अदर्स ओपन आर क्लोज बाई द पोजिशन ऑफ गेट्स विच आर प्रोटीन that change shape to block or clear the channel. Whatever gate opens or close a channel depends on the membrane potential, and such gates are said to be voltage regulated. Some of these membrane channels are specific for sodium ions and others are specific for पोटेशियम। इनको सोडियम पोटेशियम चैनल्स भी कहते हैं, ओपन चैनल्स फॉर आयंस हैं और ये गेट चैनल्स हैं जहाँ पर जो है वो जैसे ये गेट कभी खुलता और कभी बंद हो जाता है, और ये जो हैं ये बिल्कुल ओपन है जहाँ से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से आयंस जो हैं वो बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन changing the resting membrane potential into the action potential। rest पे हम कहते हैं कि कोई भी जो न्यूरॉन है उसका आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव है। अब देखें जब जब एक्साइट होता है न्यूरॉन एक्शन में होता है तो जो उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है, जब स्टिमुलस आती है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। Changing the resting electrical potential across the plasma membrane is the key factor in the creation of the subsequent conduction of a nerve impulse. A stimulus that is strong enough to initiate an impulse is called threshold stimulus. जो मिसाल के तौर पे आवाज़ है, मिसाल के तौर पे of any stimulus है जो इतनी होनी चाहिए कि जिससे न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाए, उसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। व्हेन सच अ स्टिमुलस इज अप्लाइड टू अ पॉइंट अलोंग द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस इंक्रीजेस एट दैट पॉइंट एंड द इनफ्लो पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू गो फ्रॉम -mV टू 0। This loss in the membrane polarity is called depolarization. Sodium बहुत तेज़ी के साथ इनसाइड जाता है और जो नेगेटिव चार्ज इनसाइड होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो ज़ीरो पे आ जाता है, तो इसको हम depolarization कहते हैं। When depolarization reaches a certain level, special sodium channel or voltage-gated channel that are sensitive to change in membrane potential quickly open and more sodium ions rush to the inside of the neuron. Shortly after the sodium ions move into the cell,
The sodium gates close, but no voltage gated potassium channels open, and potassium ion rapidly diffuse outward. The movement of potassium ions out of the cell builds up the positive charge outside the cell again, and the membrane become repolarized. This series of membrane changes triggers a similar cycle in an adjacent region of the membrane, and the wave of depolarization move down the axon as an action potential. Overall, the transmission of an action potential along the neuron plasma membrane is a wave of depolarization and repolarization. ये students इसकी अगर समझ आई है तो ठीक है, otherwise मैं आपको समझा देता हूँ कि देखें यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो ये -70 मिली वोल्ट है, और यहाँ पर आउटसाइड जो है वो सोडियम है, इनसाइड पोटेशियम है. नॉर्मली आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड नेगेटिव चार्ज है. ये हम ये रेस्टिंग है, कोई भी जो मैम जो न्यूरॉन रेस्टिंग फॉर्म मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. जब कोई स्टिमुलस आती है और कोई एक्शन करना होता है, कोई मैसेज जो है वो उसको जनरेट करना होता है, तो क्या होता है कि ये सोडियम आयंस जो हैं, ये जो अभी हमने चैनल्स की बात की थी, ओपन चैनल, ये दीज बिकम मोर परमिएबल टू सोडियम, और सोडियम जो है वो इनसाइड जाना शुरू कर देता है. और साथ में जैसे ही सोडियम इनसाइड जाता है तो ये सिग्नल होता है कि गेटेड चैनल भी खुल जाते हैं. ये गेटेड चैनल भी खुल जाते हैं तो सोडियम बहुत तेज़ी के साथ इनसाइड आता है, और अंदर ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है. तो पोलराइज जो है ये दोबारा से जो रेस्टिंग से दोबारा से पोलराइज हो जाता है. एक तो जब सोडियम इनसाइड आता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये -70 वोल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है. इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं. कोई पोलर कोई डिफरेंस ऑफ चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड नहीं है, याद रखिए. और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सोडियम बहुत तेज़ी के साथ पोटेशियम बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाता है. और जब पोटेशियम बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलता है तो ज़ाहिर है पॉजिटिव आयन जब बाहर निकलेंगे, सोडियम बेशक काफ़ी अंदर आ चुका है लेकिन पॉजिटिव आयन बाहर निकलते तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयन्स की मिकदार इनसाइड ज़्यादा हो जाती है, और फिर इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है. सो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइज हुई थी तो वो दोबारा पोलराइज हो जाती है, हालांकि उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है. और जब फिर गुजर जाता है जो मैसेज है, और ये यहाँ पर यहाँ ये कंटिन्यूज रहती है, ये एक वेव की सूरत में चलती है अलॉन्ग द होल नर्व, ठीक है जी. और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन की तरफ चलती रहती है, और ये मैसेज जो है अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुंचता है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज शिफ्टिंग और रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन. और उसके बाद फिर जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो मैसेज गुजर जाता है तो फिर दोबारा से कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम वहीं पर ही आ जाती है, और सोडियम पोटाशियम पंप काम करता है, और सोडियम जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है, पोटाशियम इनसाइड आ जाता है, और अल्टीमेटली फिर वही -70 मिली वोल्ट का चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है यहाँ पर. तो ये एक तरह से आप समझ लें कि ये इट्स ए प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. After each action potential, there is an interval of time when it is more difficult for another action potential to occur because the membrane has become hyper polarized, more negative than -70. क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ पोटाशियम बाहर निकला होता है तो inside -70 millivolt से ज़्यादा उसका temperature हो जाता है due to the large number of potassium ions that rushed out. And this brief period is called a refractory period. During this period, the resting potential is being restored at the part of the membrane where the impulse has just passed. Afterward, the neuron is repolarized and ready to transmit another impulse. फिर से वो जो balance है sodium potassium का inside outside, वो कायम हो जाता है,
और जो नर्व है वो दोबारा से रेडी होती है कि वो नेक्स्ट मैसेज को वहाँ उसको ट्रांसमिट कर सके. ए मिनिमम स्टिमुलस और थ्रेशोल्ड इज नेसेसरी टू इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल बट एन इंक्रीज इन स्टिमुलस इंटेंसिटी डज नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट एन एक्सॉन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल ऑल और नन. सो जो इम्पल्स गुजरती है वो अपनी पूरी जब भी स्टिमुलेट होती है तो वो अपनी पूरी पावर के साथ होती है और अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो जाती तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. ये नहीं है कि उसमें अब जो चार्ज शिफ्टिंग है वो उससे ज़्यादा हो जाएगी, ये कम. देयर इज़ इट बैलेंस. इंक्रीजिंग द एक्सॉन डायमीटर एंड और एडिंग माइलिन शीथ इंक्रीज द स्पीड ऑफ conduction of the nerve impulse axon with a large diameter transmit impulses faster than smaller ones and large diameter axons are common among many invertebrates, for example crayfish, earthworm, and the largest are those of the squids, loligo, jise cuttlefish kehte hain, where axon diameter may be over 1 millimeter. And the axon have a conduction velocity greater than 36 meter per second. The giant squid axon provide a simple rapid triggering mechanism for quick escape from the predators. A single action potential elicits a maximal contraction of the mental muscles that it innervate. ये स्क्विड्स वगैरह जो होते हैं आपको पता है कि ये इनको ये सेफेलोपॉड्स हैं और फाइलम मोलस्का से हैं और ये जो स्क्विड्स वगैरह हैं बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को बचाते हैं प्रेडेटर, क्योंकि इनके टेंटिकल्स बहुत लंबे होते हैं और इनके पकड़े जाने के चांसेस बहुत होते हैं, तो क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है. मेंटल कॉन्ट्रैक्शन, मेंटल आपको पता है वो जो कवरिंग होती है, ये हम पढ़ चुके हैं आप जब इनवर्टिब्रेट पढ़ा था, जो एक कुशन लाइक कवरिंग है जो विसरा को कवर करता है और शेल जो है उसकी जो ट्रामा है उससे बचाता है एनिमल को. मेंटल कॉन्ट्रैक्शन रैपिडली एक्सपेल्स वाटर जेटिंग द स्क्विड अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, जैसे वो एक पिचकारी मारता है और वो बहुत उतनी ही तेज़ी के साथ प्रेडेटर से पीछे की तरफ चला जाता है. मोस्ट वर्टिब्रेट एक्सॉन्स हैव ए डायमीटर ऑफ लेस देन 10 माइक्रोमीटर. हाउएवर सम फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव इवॉल्व लार्ज अनमाइलिनेटेड एक्सॉन ऑफ 50 micrometer in diameter and these extend from the brain down to the spinal cord and they activate skeletal muscles for rapid escape. Usme jo neurons ki length hai wo bahut zyada hai, unmyelinated hai lekin bahut rapid action hai. Regardless of an axon diameter, the myelin sheath greatly increase conduction velocity. And the reason for this velocity increase is the myelin is an excellent insulator and effectively stop the movement of fines across it. जो एक depolarization, repolarization process उसको वो कायम रखती है और insulator के तौर पर काम करती है और एक ख़ास जो voltage difference है उसको वो कायम रखती है. Ions अगर बहुत ज़्यादा escape होंगे side पर तो वो voltage कायम नहीं रहेगी और कन्फ्यूजन जो है वो डेवलप होगी और मैसेज जो है वो प्रॉपरली सेंड नहीं होगा, तो एक इंसुलेटर के तौर पे वो काम करती है. एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड ओनली एट द न्यूरोफिब्रल नोड्स एंड इन फैक्ट द एक्शन पोटेंशियल जंप्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड. फॉर दिस रीजन कंडक्शन अलॉन्ग द माइलिनेटेड फाइबर्स इज नोन एज साल्टेटरी. जंपिंग करती है एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से, ये जो चार्ज शिफ्टिंग है या एक्शन पोटेंशियल है. इट टेक लेस टाइम फॉर एन इम्पल्स टू जंप फ्रॉम नोड टू नोड अलॉन्ग द माइलिनेटेड फाइबर्स दैन टू ट्रेवल स्मूथली अलॉन्ग एन अनमाइलिनेटेड फाइबर. माइलिनेशन अलाउज रैपिड कंडक्शन ऑफ conduction in small neurons and thus provides for the evolution of nervous system that do not occupy much space within the
एनिमल्स। देखें इसमें जिसको हमने कहा कि साल्ट्रेटरी है, तो ये माइलिनेटर नोड टू नोड ये जंप करती है, जो इम्पल्स है और उसको एक्टिवेट करती है एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरे, दूसरे से, तो बहुत तेज़ी के साथ जंप करती हुई है जो इम्पल्स है वो यहाँ से गुजरती है, तो उससे स्पीड मैसेज की बहुत तेज़ हो जाती है और जो एक्शन है वो बहुत तेज़ हो जाता है और रिस्पांस जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिएगा। और ये स्लाइटली आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे और उसको आप देखेंगे तो ही जो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। अदरवाइज आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का अगर आपको नहीं पता, और आपको अगर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन अगर समझ नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल है कि आप इसको मैसेज ट्रांसफ़र को समझ सकें। तो स्टे ट्यून, और जब आप लेक्चर सुन लें तो उसके बाद फिर बुक भी कंसल्ट कीजिए, और अगर कहीं कोई एम्बिग्यूटी हो तो वो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।